इजी टू मेंटेन होता है और इजी टू ट्रेन होता है, तो बहुत आसानी से इसको ट्रेन किया जा सकता है, इसलिए काफी लोगों का पसंदीदा डॉग ब्रीड है। अभी ये डॉग 35 डेज ओल्ड है, तो आप घर पे ले जाते हैं तो इसका एक मिल्क फीड आता है जो इसका मदर मिल्क प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, और लूज मोशन तुरंत होना शुरू हो जाएगा, वो आपको परेशान कर देगा। जैसे डॉग को अगर लूज मोशन हो आपके घर में, तो नमस्कार दोस्तों, मैं अक्षय आर्यन पेट शॉप से। तो आज हमारे पास एक क्लाइंट है, उनका भी एड्रेस पूछा जाएगा और उनसे मिलाया जाएगा। अभी आज की वीडियो में मैं आपको अपना जो ब्रीड लेने के लिए आया है वो मैं ब्रीड दिखाने वाला हूँ। बहुत ही खूबसूरत और जेन्युइन घर के लिए बहुत ही बेटर डॉग ब्रीड होता है ये, क्योंकि आप घर टाइप आपका कुछ भी हो उसमें आप इस डॉग को आराम से रख सकते हैं, और फर्स्ट टाइम ओनर भी बहुत अच्छे तरीके से रख सकते हैं, क्योंकि ये डॉग इजी टू मेंटेन होता है और इजी टू ट्रेन होता है, तो बहुत आसानी से इसको ट्रेन किया जा सकता है, इसलिए काफी लोगों का पसंदीदा डॉग ब्रीड है। अगर आप लोग को समझ में आया कौन सी डॉग ब्रीड की मैं बात कर रहा हूँ, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। और ये अपना इंटेलिजेंट के मामले में वर्ल्ड में दूसरे तीसरे नंबर पे आता है, ये बहुत ही समझदार डॉग ब्रीड होता है ये। और अपना एक स्पेशल क्लू मैं आपको देता हूँ कि ये एंटरटेनमेंट मूवी में अक्षय कुमार के पास था। चलिए पपीज देखते हैं। अच्छा तो ये है हमारा टेडी बेयर टाइप का, तो ये अपना 35 डेज ओल्ड पपी है, गोल्डन रिट्रीवर का। ये मेल है, ये मेल पपी आप लोग देख सकते हैं कि इसकी क्वालिटी, ये फर की क्वालिटी कैसी है। तो ये गोल्डन रिट्रीवर मेल लेने के लिए हमारे पास जो क्लाइंट आया, चलिए उनसे मिलते हैं और उनसे बातचीत करते हैं। कहाँ से आए हैं? नमस्कार भैया। नमस्कार, पहले अपना पपी पकड़िए। कहाँ से आया भैया, एड्रेस क्या है आपका? हम एक्चुअली देवरिया से आए हैं। देवरिया गोरखपुर के पास है। अच्छा, गोरखपुर के पास है भैया। नाम क्या हुआ आपका? मेरा नाम आलोक कुमार है। आलोक कुमार, तो आप हमारा नंबर कहाँ से आपको मिला था? मुझे मेरे फ्रेंड ने रिकमेंड किया। अच्छा अच्छा अच्छा, और हमें तो यहाँ आकर के आपको कैसा लगा, मतलब सच में आपके फ्रेंड ने जो रिकमेंड किया तो सही लगा? बहुत अच्छा लगा, आपके पेट्स कलेक्शन देख के भी बहुत खुशी लगा, और ये पपी मुझे बहुत पसंद है। मेन चीज तो आपको रेट के बारे में बताना चाहिए, आपको रेट कैसा लगा? रेट बहुत रीजनेबल ले जा रहे हैं, और कैसे ले जाएंगे भैया कुछ आइडिया बताएं मुझे, ताकि मैं आपको हेल्प कर सकूं कि रास्ते में, क्योंकि देखिए ये डॉग काफी दूर यहाँ से ट्रेवल करने वाला है, तो आप लोग भी जान लें अगर डॉग आप कहीं से ले जाते हैं दूर और वहाँ ट्रेवलिंग में जो भी समय लगता है, तो उस दौरान डॉग को क्या देना चाहिए, ये सारी जानकारी भी आप इस वीडियो में देख लें। तो चलिए भैया से पूछते हैं कि आखिर क्या समस्या होने वाला है इनके रास्ते में। मैं ट्रेन से जाने वाला हूँ, यहाँ से 4 घंटे रास्ते हैं। अच्छा, 4 घंटे का ही है, तो फिर तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, 4 घंटे तो इजी वे में निकल जाएगा। लेकिन अभी आप जैसे डॉग को कुछ भी आप बहुत ज्यादा खिला करके कभी भी ट्रेवल ना करा, जब भी आपका ट्रेन हुआ तो मान के चलिए ट्रेन आपका 4 बजे, तो 2 बजे यानी कि 2 घंटे पहले आपको खिला पिला देना है इसको, डॉग को, उसको खिलाने के बाद फिर आप इसको आराम से ट्रेवल करा सकते हैं। एग्जैक्ट अगर टाइम उसी टाइम में आप लेकर के डॉग को निकलेंगे तो वॉमिट कर सकता है डॉग। हाँ, इसलिए आराम से लेकर भी जाए, और बीच रास्ते में अगर कभी इसको भूख लगे 4 घंटे हो जाता है तो आप इसको जो दही आता है ना, दही लेकर के दे सकते हैं, तो बहुत ही नॉर्मल क्वांटिटी में दही लेकर के आप इसको दे सकते हैं। आप इसको नीचे छोड़ दें, और भैया अभी इसके कुछ खाने पीने के बारे में मैं बताना चाहूँगा, जो इसका मदर मिल्क रिप्लेसमेंट होता है, तो कोई भी ब्रांड का आप मिल्क फीड ले सकते हैं, और आपका जो भी फूड ये डॉग खा रहा था उसी डॉग को सामान वगैरह जो भी है ये अपने यहाँ से ही लेने वाले हैं, क्योंकि अपना गोरखपुर से ही, तो मैं इनको सामान वगैरह खाने का नहीं दे रहा हूँ, लेकिन फिर भी मैं बता दे रहा हूँ जो भी इनके जानकारी में हो। और आप लोग को अगर कोई सवाल हो आप लोग का, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, वहाँ पे जवाब आपको हमेशा उसकी तरफ मिलता रहेगा। तो भैया जैसे अभी डॉग ले जाएंगे तो डॉग को बहुत कम क्वान्टिटी में, क्योंकि यहाँ से ट्रैवल करा करके ले जाते हैं उस टाइम, तो पहला तो लिक्विड डाइट दीजिएगा, सेरेलैक जो आता है ह्यूमन वाला वो दे सकते हैं। ओके, वो ह्यूमन वाला सेरेलैक जैसे बनाते हैं बच्चों के लिए बनाते हैं, उसी तरह उसको भी बना करके दिया जाएगा, और वो देने के बाद आप जो भी डॉग फूड लेंगे उससे उसमें सिर्फ 10 से 15 दाना ही देना है। अच्छा, उससे ज्यादा नहीं, गिन करके 10 से 15 दाना दे देना है 10 से 15 मिनट पहले, जब ये फूल जाएगा हाथ से क्रश करके बस दे दीजिएगा, वो लिख करके बस खा लेगा। और अभी नॉनवेज कुछ नहीं, नॉनवेज अभी ट्राई भी मत कीजिएगा, क्योंकि नॉनवेज और दूध इसको अभी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, और लूज मोशन तुरंत होना शुरू हो जाएगा, वो आपको परेशान कर देगा।
जैसे डॉग को अगर लूज मोशन हो आपके घर में तो ह्यूमन वाला ओटू आता है, वो ओटू सिरप भी आप लोग दे सकते हैं। बहुत लोग परेशानी होते हैं डॉग लूज मोशन करते हैं, तो उस टाइम में आप ओटू दे सकते हैं। ओटू सिरप भैया आप भी याद कर लीजिए, हमारे चैनल पर भी रहता है। ओटू सिरप आप देंगे तो लूज मोशन वगैरह फ्यूचर में अगर कभी हुआ तो उस टाइम में काम आना। चलिए तो फिर वीडियो को हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं। बाकी भैया आपको कैसा लगा यहाँ आकर के, जेन्युइन रिव्यू जरूर हमारे व्यूअर्स को क्या कहना चाहेंगे कि आना यहाँ चाहिए नहीं आना चाहिए? आना चाहिए आप लोगों को, आपको अगर रेट रीजनेबल रेट पे चाहिए इनके पास जरूर आइए। चलिए धन्यवाद, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए जो भी हमारे चैनल पर नए हैं, और बाकी लोग शेयर कर सकते हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को ये जानकारी मिल सके, क्योंकि हमारे पास हमेशा इस तरह की वीडियो बनती रहती है डॉग से रिलेटेड। हेलो हेलो, हाँ आपका डॉग सेंटर है क्या? हाँ डॉग सेंटर है। आपके पास कौन से डॉग है? मेरे पास सभी डॉग है। ओके तो प्राइस, आई वांट टू प्राइस बट व्हिच वन, व्हिच डॉग डू यू वांट? आई वांट अ बीगल। It will be. No, I saw in YouTube one number is there 4,500 beagle, but the beagle charges is so costly. Will you please give me a screenshot for that? Okay, okay. Okay. Hello. Hello. कह रहे थे कि बोरिंग रोड है, यहाँ से कैसे आना पड़ेगा वहाँ पे? बोरिंग रोड से डायरेक्ट आपको चितकोहरा आना है। चितकोहरा? हाँ, वहाँ से राइट हो जाएगा, निशाबाद गोलंबर है। अच्छा, एक टेम्पो से आ रहा है तो एक ही बार वहीं पे बताइए जहाँ पे उतरेंगे तो वहीं से। बेउर मोड़। बेउर मोड़। कौन सा रोड? बेउर जेल के पास आना है आपको, बेउर जेल वाले रास्ते में, बेउर मोड़ पे। अच्छा, बेउर मोड़ पे आके। हाँ ठीक है, ठीक है।